friends, today we are starting a new chapter, chapter 5, our nervous system. In this chapter, we will learn about the different things which are present in the nervous system. But we start firstly with the three parts that forms the complete nervous system. Now, before starting the chapter, I want to ask you a question that how you feel that you are hungry. आपको कैसे पता पड़ता है आपको भूख लग रही है या आपके पीछे कुत्ता पड़ा है और आपको भागना है या आपके पसीने आ रहे हैं या आपको कोई चीज ग्लास से उठानी है तो उससे आपको हाथ से उठाना है पैर से नहीं उठाना है. ये सारा सिस्टम जो है, जो सारा हम हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा वर्क है, ये सारा कनेक्टेड है हमारे नर्वस सिस्टम से. अगर नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो हमारा इंटेलिजेंस लेवल जीरो होगा और हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे. हमारा सोचना, हमारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लर्न करना, इवन हमारा सपने देखना, ड्रीम करना, दैट ऑल इज कंसर्न विद द हेल्प ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. अगर नर्वस सिस्टम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे किसी ना किसी एस्पेक्ट के ऊपर उसका जरूर इफेक्ट आएगा. सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये तीन थिंग्स हैं जिसका नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है और ये तीनों ही अपने अपने लेवल पर वर्क करते हैं. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स एंड टीचर्स होते हैं और प्रिंसिपल के ऑर्डर के ऊपर नेक्स्ट लेवल ऑर्डर जाता है, अपने अपने कोटे को कम्युनिकेट करते हैं और किसी भी टास्क के लिए वर्क करते हैं. सिमिलरली नर्वस सिस्टम को भी वर्क करने के लिए ब्रेन जो है, इट इज द कंप्यूटर, इट एक्ट एज अ मास्टर कंप्यूटर और अ ब्रेन ऑफ अवर बॉस ऑफ अवर बॉडी. क्योंकि अगर ये जो ब्रेन है, ये जो बॉस है, ये अगर कोई भी हमें टास्क नहीं देगा तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है. नाउ ब्रेन जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेटलोबोर्डा, और इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है. Now let me take a view of this brain. This is a 3D model. Sorry, not 3D, it's a 2D model, and we take a view of this. Yes. So this uppermost part you are seeing is, this is called as a cerebrum. इसको हम cerebrum बोलते हैं. इसमें ये folds और grooves होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि क्या होता है, blood supply इनके through होती है और इसी पार्ट के थ्रू हमारे जितने सेंस ऑर्गन होते हैं वो वर्क करते हैं. सेरिब्रम वो पार्ट है जिसके थ्रू हमारी इंटेलिजेंस वर्क करती है, हम लोग लर्निंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, ड्रीमिंग है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसाइडिंग ऑफ एनीथिंग, तो ये सारा वर्क होता है इस सेरिब्रम के थ्रू होता है. नेक्स्ट सेरिब्रम के जो नीचे आता है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम. यू कैन सी दिस पार्ट, ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एग शेप स्ट्रक्चर, इसको सेरिबेलम बोलते हैं. ये जो सेरिबेलम होता है सेरिब्रम से कनेक्टेड होता है और ये करता है थिंकिंग ऑफ, ये करता है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग का वर्क. मतलब आप चल रहे हो तो आप सीधे चल रहे हो या गिर रहे हो, ठीक है, तो जितनी भी बैलेंसिंग का वर्क है ये करता है सेरिबेलम. अब इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला ओब्लोंगाटा. ये करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कनेक्ट करता है. ये मेडुला ओब्लोंगाटा, ये वाइट पार्ट जो है, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कनेक्ट करता है. इसके अंदर में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सेंटर्स होते हैं जो हमारा लंग्स वर्क करते हैं, अपने आप ही जो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप करता है, तो वो सारा जो है उसको गाइड कौन करता है, ये मेडुला ओब्लोंगाटा. अगर यहाँ पे किसी भी तरह की इंजरी होगी तो हमारा हार्ट वर्क करना अपना बंद कर देगा और हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भी वर्क करना बंद कर देगा, काम करना. तो इसलिए ये जो है ये हेल्दी रहना ज़रूरी है. अगर इसमें इंजरी होगी तो सबसे पहले हमारी जो लाइफ है उस पर प्रॉब्लम आएगी. सो दिस इज द कंप्लीट मॉडल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेन. एज आई टोल्ड यू हैज थ्री पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा. ब्रेन जो है मास्टर कंप्यूटर होता है, मैं वापस ही रिवीजन करा रही हूँ आप लोग को. सेरिबेलम जो होता है ये थिंकिंग का सारा काम करता है, सेरिबेलम हमारा वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग,
मतलब जितनी भी बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन का वर्क है वो सेरिबेलम करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि हार्ट और लंग्स के फंक्शनिंग को गाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे इंजरी होगी तो दैट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एनीवन। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स होते हैं ये क्या बोलते हैं इसको हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम हम इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वी कम जस्ट अर्लियर टू आवर चैप्टर दैट नर्वस सिस्टम में हमने बताया था तीन चीज़ होती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। ब्रेन का आपको बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम नेक्स्ट समझाएंगे।